सावन के महीने में श्रद्धालु पतित पावनी गंगा नदी से गंगा जल लेकर बराली सीढ़ी घाट से गुड्डा धनकुंड बासुकीनाथ गोनूधाम के साथ साथ कई शिवालयों में जलाभिषेक करने जाते हैं। लेकिन भागलपुर में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें नगर निगम की उदासीनता आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी। पतित पावनी गंगा नदी में श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद मंत्रोच्चार के बाद जल भरते हैं और गुड्डा धनकुंड बासुकीनाथ गोनूधाम जैसे तीर्थस्थल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन काफी दुख की बात है कि उन श्रद्धालुओं को गंदे गटर वाले नाली के पानी से गुजरना पड़ता है जिससे उनकी श्रद्धा काफी धूमिल हो रही है। इस पर ना तो नगर निगम ध्यान दे रही है और ना ही जिला प्रशासन। अब सवाल यह उठता है कि धर्म की पवित्रता पर लगाम लगाने को लेकर यह खिलवाड़ आखिर कब तक बंद होगी। ऐसी कुव्यवस्था को देखकर दूर दूर से आए श्रद्धालु काफी दुखी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर नगर निगम और जिला प्रशासन थोड़ा भी ध्यान दे दे तो जलाभिषेक करने जा रहे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं जब सड़कों और घाटों का हाल देखा गया तो वो बद से बदतर थी। ना ही सफाई देखी गई, ना ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी था। नाला का पानी में शुद्धिकरण हो रहा है, बम लोग का नाला का पानी बह रहा है। बिहार सरकार का भी वही हाल है, जो सोचे नहीं थे उससे भी गंदा हाल है। कहाँ से आए बम? हम तो आए झारखंड से, दुमका जिला से। दुमका जिला का भी वही हाल, इधर का भी वही हाल। कहाँ जा रहा है? वही बासुकीनाथ। परेशानी हो रही है नाले के पानी से गुजर, बहुत परेशानी है। अब शुद्धिकरण आदमी को स्नान करना पड़ता है कोई भी गंदगी चीज छूने से, और इस नाली के पानी में डुबकी लगा के हम लोग को जाना पड़ रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा शुभ नाम हुआ नितिन मुकेश कुमार बहरा, दुमका जिला। अभी तो नगर निगम को तो एक्शन लेना चाहिए कि बम लोग इतना मेहनत से गंगा जल लेके जा रहा है, अशुद्ध होते हुए जा रहा है सब। कौन सा पानी है ये? एकदम पूरा एकदम गदर का पानी है, एकदम पैखाना पेशाब सब रहता है इसमें। बहुत तकलीफ होता है, कोई नहीं सुनता है। देखने के लिए नहीं आता है, मेयर भी जो बनी है वो भी नहीं आता है देखने के लिए। तब गंगा जल शुद्ध होके जाता है, अशुद्ध हो जा रहा है लोग। जहां एक तरफ कांवरिया गंगा जल भरकर शिवालयों में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए शुद्ध मनभाव से निकल पड़े, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर नाली का पानी बह रहा है, उसी में श्रद्धालुओं को गुजरना पड़ रहा है। ना तो जिला प्रशासन इस पर ध्यान दे रही है और ना ही नगर निगम। इसको लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नाले के पानी में बैठकर जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की, जिसे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं जिला प्रशासन और नगर निगम के उदासीन रवैये से शहरवासी काफी दुखी हैं। लोगों का कहना है कि जब प्रशासन और नगर निगम ही इस पर ध्यान नहीं देगी तो कैसे श्रद्धालु शिवालयों में शुद्ध मनोभाव से जलाभिषेक के लिए जा सकेंगे। यह उदासी कहीं से सही नहीं है। भाजपा के भागलपुर जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि प्रशासन जब तक यहां पर नहीं आती और इस गंदे पानी की जल जमाव वाली व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण मास का, श्रावण के पवित्र महीने में गंगा से जल भरकर हजारों कंवरिया बाबा बासुकीनाथ जल अर्पण करने के लिए जाते हैं, डाक बम से जाते हैं और इसी रास्ते से गुंडा बम भी जाते हैं। और प्रशासन को यह पता है कि प्रत्येक रविवार को हजारों की संख्या में चलते हैं, जबकि आपके चैनलों के द्वारा इस भीषण विषाक्त को दिखाने का काम किया गया, लेकिन पूंजीपति सरकार उसके प्रशासन के लोग जगे नहीं और आज हमारी हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। जबकि सावन के पवित्र महीने में निगम की सामान्य बोध की बैठक थी, उसमें भी हमने मुद्दा उठाया था, प्रमुखता से यह मुद्दा रखा था कि ये कांवरिया पथ है, इस कांवरिया पथ को सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पे पानी ना रहे। बारिश का दिन है, बारिश तो होगी ही, लेकिन यहाँ पे कम से कम 7 से 8 की संख्या में गैंग रहे जो कि पानी को लगातार निकाला जाए। हमारा निगम प्रशासन के द्वारा ये आश्वासन भी मिला था यहाँ गैंग मिलेगा, लेकिन यहाँ व्यवस्था नगण्य है। जल भर के बाबा बासुकीनाथ के दरबार को डाक बम और कांवर सेवा देने के लिए जल चढ़ाने को जाते हैं। कल मैंने भी निगम प्रशासन के सदन में इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया था कि हमारा ये जो मुख्य मार्ग है बंजरपुर से लेकर के अलीगंज तक, यहाँ पर कोई जो निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सारे लोग देख रहे हैं किस प्रकार से अभी यह सावन का पवित्र माह है, पूरे देश के अंदर में कहीं उत्तर
प्रदेश के अंदर में हेलीकॉप्टर से कांवरियों के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, और ये बिहार की निकम्मी सरकार, ये मौलाना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव किस प्रकार से भागलपुर से जो जल भर करके डाक बम और बैजनाथ धाम जाते हैं, उनको किस प्रकार से गंदे नाले से होकर के गुजरना पड़ता है। नाला निर्माण हो रहा है और उसके कारण जो है थोड़ा सा हम लोग जो है लटपटा जाते हैं। बाकी तो आपका भोलानाथ मेन तो यहाँ पर भोलानाथ पुल में है ना, आप देख रहे होंगे अभी। मैं भी पानी जमा है नहीं जमा है, वो तो क्लियर है। अभी आप देखिए ना, अभी आप देखिए, अभी अभी आप देखिए ना, वो एकदम सुबह से डिसिल्टिंग मशीन लगा के साफ सफाई करा है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपने इनॉग्रल ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विसेज पर 34% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। सावन के पावन महीने में शिव भक्तों के अलग अलग रंग है और महादेव के प्रति समर्पण देखने को मिल रहा है। महादेव में आस्था ऐसी कि परेशानियों के बावजूद भी बाबा वैद्यनाथ पर जल चढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में पैरों से दिव्यांग दंपत्ति वैद्यनाथ धाम के लिए निकले हैं। दोनों पति पत्नी एक ही ट्रायसाइकिल पर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। जहानाबाद के योगेंद्र पासवान और उनकी पत्नी रंजू देवी महादेव के भक्त हैं। दोनों बचपन से दिव्यांग है। दिव्यांग दंपत्ति के इस प्रेम और भोलेनाथ के प्रति समर्पण काबिले तारीफ है। योगेंद्र कहते हैं कि वो 6 साल से वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं, उन्हें परेशानी भी है तो महादेव उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। बता दें कि लाखों कांवरिया सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर वैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। इनमें से कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जिन्हें देख कर हर कोई उनकी सराहना करता है। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद जिला से। पति के साथ जा रहे हैं? हाँ। क्या हुआ है इनको? तो क्या हुआ पैर में? विकलांग है। परेशानी भी होती है? हाँ। कितने साल से जा रहे हैं? हमारा हो गया 3 साल, तो तीसरा बार जा रहा है। तीसरा बार जा रहा है। अच्छा, तो इनको इसी तरह साथ सेवा करते हैं? साथ में जा रहे हैं। वो आपके पैर में निकला होगा, विकलांग है, हैंडीकैप, पोलियो मारा हुआ है। पोलियो मारा हुआ है, तो इसी तरह अथी पे ट्रायसाइकिल पे जा रहा है? ट्रायसाइकिल से देवघर सुल्तानगंज से जाना है। कितना साल है ये? 6 साल हो रहा है। 6 साल पत्नी के साथ? 3 साल। 3 साल बहुत प्यार करते हैं पत्नी को? अरे प्यार न रहेगा तो कैसे चलेगा दुनिया भर से? प्यार रहना चाहिए ना। कब तक पहुँचे? अब देखिए 3 दिन के सफर में पहुँच जाना आराम आराम से।
परेशानी भी होती है रास्ते में। परेशानी होती तो सहारा भी लेना पड़ता है, तो पत्नी का सहारा काफी है। अरे है तो आपको जो सहारा मिल जाता है, फूल उल मिल जाता है चढ़ाए तो उसमें सहारा लेना पड़ता है। ऐसे पत्नी के साथ जा रहे हैं, हाँ ऐसा रोड रहेगा तो फिर तो कोई सहारा नहीं, चलते रहेंगे। बिहारी किसान अभी भी मेघ ताक रहे हैं तो दिल्ली पानी पानी है, ये तो अजीबो गरीब कहानी है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारी बारिश से मची तबाही के पीछे जलवायु परिवर्तन एक बड़ा कारण है। पहाड़ दरक रहे हैं, जल सैलाब विनाशकारी रूप लिए हुए हैं, नदियां अपना रास्ता तलाश रही हैं। लगातार पहाड़ की खुदाई से इलाके की इकोलॉजी असंतुलित हो चली है। शोध पलक एक वैज्ञानिक आंकड़ों के मुताबिक सन 2000 से 2022 तक ग्लेशियर के पिघलने और भूमिगत जल के विदोहन से भूमि की ऊपरी सतह बदल रही है। उसके संकेत आपको दिख भी रहे हैं। बढ़ती आबादी की जरूरतों और सिंचाई के लिए भारी मात्रा में जमीन से पानी निकालने के परिणाम भयावह होने लगे हैं। पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड और हिमाचल के नदियों का रौद्र रूप और उसकी तबाही के अवशेष आपने देखे हैं। कैरी रिवर गंगा मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों की तबाही लेकर आ रही है। हिमालयन रेंज की पहाड़ियों से निकली नदियों के जल प्रलय की धारा को लेकर मैदानी इलाकों के अधिकारी अलर्ट हो गए हैं। उत्तर भारत की कैरी रिवर गंगा किनारे ऊपर के जल प्रलय का नुकसान कम हो, इस बाबत भागलपुर का जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। खास बातचीत में भागलपुर के डीएम सुब्रत सिंह ने बताया कि फ्लड की आहट को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। गंगा नदी की नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ऊपरी इलाकों में बारिश हुई है तो निश्चित रूप से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होगी और जो और कैचमेंट एरिया है गंगा नदी का या इसकी जो सहायक नदियों का उसमें भी बारिश हो रही है और एक्सपेक्टेड भी होता है कि अगस्त के महीने में, जुलाई एंड से लेकर के अगस्त के महीने तक सितंबर में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होती है। तो हम लोगों की जो तैयारियां हैं, जो बाढ़ को लेकर के बाढ़ पूर्व तैयारियां होती हैं, वो सारी तैयारियां कर ली गई हैं। एसओपी के हिसाब से हम लोगों ने नावों को चिन्हित करके उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया है। जो आश्रय स्थल होते हैं, यदि अगर डिस्प्लेस करके लोगों को रखना होता है तो वो कैंप वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित करा ली गई है। उसकी एक राउंड जांच भी हम लोगों ने करा करके सुनिश्चित करा लिया है कि वैसे आश्रय स्थलों पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। और ये हम लोग की एक क्लियर कट एसओपी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका हम लोग ICTS के माध्यम से पहले ही इस पीरियड में हम लोग करा लेते हैं, उनको चिन्हित कर लेते हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले उनको हम लोग रेस्क्यू करते हैं। SDRF की टीम ऑलरेडी यहाँ स्टेशन रहती है सालों भर, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो स्थानीय गोताखोर है उनको भी हम लोगों ने अंचल के माध्यम से चिन्हित करके उनके साथ भी हम लोगों ने एक तरह का एग्रीमेंट करवा लिया है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनको मानदेय पर हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोगों के पास पर्याप्त पॉलीथीन सीट्स हैं, टेंडर हम लोगों का सारी सामग्री का हो गया है। पेयजल की या स्वास्थ्य की जो भी सुविधाएं होंगी वो SOP के माध्यम से, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोग हेल्थ कैंप भी लगाते हैं, PSD का टेम्पोरी टॉयलेट्स, पानी की व्यवस्था, ये सब सारी व्यवस्थाएँ और पशुओं के लिए भी व्यवस्था रहती है। तो पशु चारा का भी दर निर्धारित हो गया है, पशुओं के लिए भी कैंप लगता है, जो एम्बुलेटरी वैन है, तो ये सब कुछ हम लोगों ने SOP के माध्यम से तैयारी करा लिया और कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। अगर बाढ़ की ऐसी बात, प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे उसको आप कोरोना विस्फोट के रूप में देखिए, जल प्रलय के रूप में देखिए, धरती के ताप के बढ़ जाने के रूप में देखिए, वो अब सामने दिखने लगा है। जैसे आप देखे होंगे कि कोशिश की जाए तो एक चेहरा है कि धरती का ताप बढ़ रहा है, एक दूसरा चेहरा है कि जनसंख्या का संताप बढ़ रहा है, एक तीसरा चेहरा है कि घरेलू हिंसा से लेकर युद्ध की हिंसा तक, आतंकवादी हिंसा तक, यानी नाना प्रकार के हिंसा का श्राप मानवीय सभ्यता को लग गया है, और एक चेहरा उसका यह भी है कि पूंजी का पाप जो है वो लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है।
भागलपुर में गंगा नदी के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। सुल्तानगंज में गंगा नदी के जलस्तर में 4 से 5 दिनों में 2 मीटर से अधिक जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश होने के बाद फिर से जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। वहीं जलस्तर बढ़ने के बाद सुल्तानगंज उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बैरिकेडिंग को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने घाट पर माइकिंग के निर्देश दिए हैं। वहीं 2 बोट के साथ SDRF की टीम व 2 नौका तैनात किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होगी, उसके हिसाब से हम लोगों की भी तैयारी है। SDRF की बोट है, घाटों पर बैरिकेडिंग को शिफ्ट किया जा रहा है। गंगा का जल, देखिए गंगा के जलस्तर में भी लगातार बढ़ोतरी होगी। हम लोग जान रहे हैं जो ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है, सारी नदियां जो है उत्तर भारत की गंगा में ही कमोबेश या गंगा की सहायक नदियों में ही आकर मिलती है, तो लगातार जो है वो गंगा के जल स्तर में वृद्धि होगी। और उस हिसाब से हम लोगों की तैयारी है, SDRF के बोट्स लगे हुए हैं, घाटों पर जो बैरिकेडिंग है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन लगातार हम लोग लोगों को सचेत भी कर रहे हैं, फिर भी जैसा कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कुछ लोग जानबूझकर वहां जो पुलिस कर्मी है हमारे गोताखोर हैं उसके बताने पे भी वो नदी की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गलत है। अभी भी डूबते डूबते SDRF ने 2-3 जाने जो है बचाई है उनके अलर्टनेस के कारण। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि किसी का ध्यान नहीं गया और अचानक से वो गहरे पानी में चला गया, तो उससे बहुमूल्य जो जान रहता है व्यक्ति का कभी कभी चला जाता है अगर समय से उसको बचाया नहीं गया। तो मेरी यही अपील होगी कि लोग जो बैरिकेडिंग है उसके आगे नहीं जाए। और आज मैंने कहा है कि अगर कोई जानबूझ करके बताने पे भी आगे जाता है नदी पे तो उस पर सख्ती करें, उसको फिर जो है उससे बॉन्ड लेना, या कुछ लोग जो है वो पुलिस से उलझ जाते हैं तो फिर उसमें हम लोग FIR भी करेंगे। ये उन्हीं की सुरक्षा के लिए है, बाद में घटना हो जाती है तो उससे जो है मानव क्षति तो होती ही है और एक जो है बहुत खराब मैसेज भी जाता है, तो ये हम लोग इंश्योर करेंगे। भागलपुर के गुरट्ठा चौक स्थित वी गार्डन में जदयू सेक्टर अध्यक्षों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमंडलीय प्रभारी प्रहलाद सरकार, विधानसभा प्रभारी राजेश कुशवाहा के द्वारा समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर समिति के सेक्टर अध्यक्षों से जिले में किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा लिया गया। वहीं अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं 18 तारीख को जदयू प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह भागलपुर आ रहे हैं और यहां कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसको लेकर भी चर्चा की गई। आज जनता दल यू महानगर जिला इकाई की बैठक है, जिसमें हमारे जो है सेक्टर अध्यक्ष जी लोग भाग लिए हैं और इस बैठक में हमारे विधानसभा प्रभारी श्री राजेश कुशवाहा जी मौजूद हैं, हमारे मतलब महानगर के जिला अध्यक्ष श्री राजदीप राजा जी मौजूद हैं, सेक्टर शेखर पांडे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारा उद्देश्य 18 तारीख को भागलपुर प्रमंडल का एक दिवसीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय पहुंच रहे हैं। मौर्य विवाह भवन जो है मैरिज हॉल, उसमें हम लोग सब लोग भागलपुर, बांका, नौगछिया और महानगर जिला इकाई के लोग, चारों हमारा सांगठनिक दृष्टिकोण से हमारा 4 जिला है, 3 नौ आपको जैसे मैंने बताया कि भागलपुर, बांका और नौगछिया पुलिस जिला, साथ में हमारा महानगर भी जो है एक सांगठनिक जिला है, हम सभी साथी वहाँ बैठेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ चारों जिला अध्यक्ष, प्रखंडों के अध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और खुद मैं भी वहाँ मौजूद रहूँगा। नहीं, कहीं पर कोई मनमुटाव नहीं है, सभी साथी तो एक साथ मिल के काम कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है और निश्चित तौर पर जो हमारा महागठबंधन बना है, हमारे नेता ने जो प्रयास करके तमाम विपक्षी दलों को गोलबंद किया है, आज जो मरकज में केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है उनकी निंद हराम है। निश्चित तौर पर 2024 में भाजपा का जाना तय है, जनता समझ रही है, महंगाई को देख रही है, बेरोजगारी को देख रही है, सारा चीज से अवगत है जनता, जो किस प्रकार से सरकारी संपत्तियों को 2 कॉरपोरेट घराने के हाथ में इन्होंने बेच दिया, अडानी समूह और अंबानी समूह को, सारा चीज एक एक चीज देख रहा है। जो सिलेंडर 400 रुपया में मिलता था आज 1200 रुपया में गरीब खरीदने को तैयार है, किसानों की माली हालत क्या है किसी से छुपी हुई नहीं है। छात्र आज जो है अगर आप कहेंगे तो इस सरकार ने अभी चलाया है एक कार्यक्रम, 9 साल
बेमिसाल, निश्चित तौर पर 9 साल तो इनका बेमिसाल कहा जाएगा, क्योंकि भाजपा के लोगों का तो माले माल है, जनता फटेहाल है। आप स्थितियां देखिए, पूरे देश में 2017 के नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जिला में ऑफिस आ गया, पैसे कहाँ से आए ये जांच का विषय होगा। इन सभी चीजों को जनता देख रही है। आने वाले समय में जो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को छात्रों को रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 9 दुना 18 करोड़ बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। 18 करोड़ लोगों को अगर वो रोजगार दिए हुए रहते तो आज देश में बेरोजगारी की समस्या नहीं होती। उन्होंने मात्र एक संसद में अपने प्रश्नकाल में प्रश्न के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 7,32,311 युवाओं को मात्र नौकरी दी सरकार ने। मैं नहीं कहता हूं, भारत सरकार की रिपोर्ट ये कहती है, जो उन्होंने इस 9 साल के दरमियान में मात्र 7,32,311 लोगों को रोजगार दिया। बाद बाकी 18 करोड़ लोग कहाँ गए रोजगारी के बाद, कहाँ गए महंगाई के कंट्रोल करने के बाद। आज आप देख लीजिए ना, साग सब्जी इवन तो टमाटर के दाम जो है, लोग जो है क्या क्या बोल रहे हैं टमाटर के बारे में, आज जो है मतलब दुर्लभ हो गया है बहुत सारी चीज़ें। आप खाने पीने की सब चीज़ों को देखिए, हर चीज़ पर टैक्स लगा लगा के जनता को परेशान कर दिया। और हम जनता फटेहाल हैं, बदहाल हैं, मुक्ति चाहते हैं 2024 में इस मतलब देश से भाजपा की विदाई करके कम से कम खुली हवा में सांस ले। अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए कई वीर सपूत शहीद हो गए। कुछ वीर सपूतों के नाम लोगों की जुबान पर है, लेकिन कई ऐसे वीर सपूत हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान देश की आजादी में दिया है। वो गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। उन्हें उभारने और युवाओं को उनकी गाथा याद दिलाने के लिए संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में देशभक्ति पर आधारित गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है। यह नुक्कड़ नाटक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भागलपुर, बांका, खगड़िया, कटिहार के अलावे कई जगहों पर एक साथ चल रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर के घंटाघर चौक पर तारापुर में शहीद हुए वीर क्रांतिकारियों की गाथा पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बरियारपुर की अंग नाट मंच के निर्देशक संजय कुमार ने बताया कि उस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य है जो गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में खो गए हैं उन्हें उजागर करना। उन्होंने बताया कि तारापुर में 34 क्रांतिकारी वीर सपूतों की शहीदों की शहादत हुई, उसी घटना पर आधारित नुक्कड़ नाटक तारापुर की शहीद का मंचन किया जा रहा है। साथ उन्होंने बताया कि उनकी गाथा को उभारना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिससे आज के युवा उन वीर सपूतों की कहानी जाने और देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, जिससे देश के सम्मान के लिए जीने मरने की कस्में खाएं। ये तारापुर के शहीद जो कि गुमनामी के अंधेरे में इतिहास के पन्नों में रह गया, तारापुर में 34 जवानों की शहादत हुई, देश के क्रांतिकारियों की शहादत हुई, उसी घटनाओं पर आधारित हमने ये नुक्कड़ किया है तारापुर के शहीद। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमृत महोत्सव समापन के अवसर पर संस्कार भारती के द्वारा पूरे प्रदेश में इस तरह का नुक्कड़ किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम भागलपुर, बांका, खगड़िया और कटिहार 4 जिले में नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और अपने क्षेत्रीय क्रांतिकारी जो इतिहास के पन्नों में नहीं आ सके, गुमनामी की जिंदगी जो उनको उभारना है इस पटल पर, कि उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और उस क्रांतिकारी के बारे में जानकर हमारे क्षेत्र के युवाओं में हौसला रहे कि हम भी क्रांति की मशाल जलाने में सहयोग दिए थे, देश की आज़ादी को स्वतंत्रता दिलाने में सहयोग दिए थे। भागलपुर में बिसहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के द्वारा मनसा पूजा को भव्य तरीके से पूरे नियम निष्ठा एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के तकरीबन 115 भगत व मूर्ति स्थापित करने वाले मेढ़पति इस बैठक में उपस्थित थे। आगामी 16 जुलाई को बारी पूजा, उसके बाद 16 अगस्त को कलश स्थापना किया जाएगा, फिर 17 और 18 अगस्त को मां मनसा को डलिया चढ़ाया जाएगा और 19 अगस्त को भव्य शोभा यात्रा व विसर्जन का आयोजन रखा गया है। वहीं इस बार सभी बिसहरी पूजा पंडाल में अश्लील गाने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं बिसहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिर परिसर में अश्लील
अश्लील गाना बजाने वाले पूजा समिति के लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिसहरी मरानी केंद्रीय पूजा समिति के अध्यक्ष भोला प्रसाद मंडल ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शांति व सौहार्द के साथ हम लोग बिसहरी पूजा मनाएंगे। किसी तरह की असुविधा पर प्रशासन से भी मदद ली जाएगी, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन को आवेदन दिया जाएगा जिससे पूजा में किसी तरह की विपदा व परेशानी न आए। प्रत्येक साल की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय बिसहरी पूजा समिति धूमधाम से भागलपुर में बिसहरी पूजा मनाएगी और स्थानीय पूजा समितियों के साथ आज बैठक संपन्न हुई और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को रख रहे हैं, जो यह स्थानीय समस्या है इसे अवगत कराते आ रहे हैं और जो समाधान है वो भी करते आ रहे हैं। लगभग 115 से ऊपर भगत पूजा और मूर्ति पूजा भागलपुर में होती है और प्रत्येक साल की भांति 16 तारीख को बाड़ी पूजा और अगला 16 अगस्त को मध्य रात्रि में कलश स्थापना होती है और 17 और 18 को डलिया चढ़ाई जाती है और 19 को शोभा यात्रा हम लोग भागलपुर में निकालते हैं और वहां पर विसर्जन घाट पर विसर्जित करती है। सौभाग्य की बात है, अश्लील गाने पर रोक रहेगी, पूरा अश्लील गाने पर पूरा रोक रहेगी पूरा। भागलपुर के जगदीशपुर बाईपास थाना से लेकर जगदीशपुर थाना तक डाक बम सेवा शिविर लगा। वहीं जगदीशपुर बाजार समिति स्थित शिविर के पास सावन की दूसरी सोमवारी को भागलपुर के गंगा घाट से जल लेकर बासुकीनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए रविवार को डाक बम कांवरियों की भीड़ उमड़ी रही। जगह जगह पर कांवरियों की सेवा के लिए सेवा समिति सदस्य तैयार दिखी। जगदीशपुर बाजार पर नवयुवक संघ डाक बम सेवा शिविर के सदस्यों द्वारा डाक बम को चाय पानी फल का सेवा किया गया। कई सदस्य नवयुवक संघ के युवकों द्वारा दर्दनाशक स्प्रे कर डाक बम की सेवा की गई। 25 वर्षों से लगातार गुरुजी बम एवं महीन बम भागलपुर से गंगा स्नान कर जल भरकर बाबा बासुकीनाथ की और बाबा को जलार्पण करने के लिए निकले। श्रद्धालु जगदीशपुर में 35 वर्षों से शिविर लगाकर बमों की सेवा करते आ रहे हैं। इस मौके पर अध्यक्ष संजीव कुमार, उपेंद्र मंडल, कारू मंडल, उत्तम मंडल एवं नटराज क्लब के सभी सदस्य सेवा में उपस्थित रहे।